हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। आज हम देखेंगे कि हम लोग बड़ी बार ये देखने की कोशिश करते हैं कि जब हम बीज तैयार करते हैं मक्का के, तो कहाँ से तैयार होती है। आज हम वही चीज़ देखेंगे कि रिसर्च जब होती है और रिसर्च से जो बीज तैयार होता है तो वो कैसे तैयार होता है। ये देखिए, आप मेरे सामने खेत देख रहे हैं और मैं फोकस करने की कोशिश करूँगा दिखाने की आपको। ये एक टैग लगा है। इस टैग का लगाने का मतलब है कि ये पर्टिकुलर बंदे ने, यहाँ पर पर्टिकुलर साइंटिस्ट ने एक पर्टिकुलर टैग लगाया है, जिससे क्या पता चलता है कि ये पर्टिकुलर वैरायटी की मक्की है, जिसको मेज़ बोलते हैं बेसिकली, मेज़ मक्की जो भी कही है। और ये वो चीज़ है। अब हम फोकस करेंगे, देख लें आप, छोटे छोटे प्लॉट्स लगे हुए हैं। यहाँ से प्लॉट्स को मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ से प्लॉट्स आप देखें, छोटे छोटे ट्रायल लगे हैं। अब इसमें होता ये है कि हम लोग जो भी नई हाइब्रिड या फिर नई वैरायटी की मक्की देखते हैं, तो उसमें जो नए नए किस्में जो आती हैं वो यहीं से तैयार होती हैं। ये शेरे कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू का रिसर्च सेंटर है, जहाँ इन्होंने छोटे छोटे प्लॉट्स बना रखे हैं। अब इनका बनाने का यह प्लॉट्स है कि अगर एक वैरायटी की मक्की दूसरी वैरायटी की मक्की से बिल्कुल अलग हो, ये देख रहे हैं आप, ये और ये, और आगे, और ये मेरा डॉगी आ गया। एंड फ्रेंड्स, ये अब इसने, ये भी मॉर्निंग वॉक के लिए आया हुआ मेरे साथ। तो चलो, मैंने सोचा कि अभी ये वीडियो बना लेते हैं ताकि आपकी जानकारी के लिए पता चले कि कैसे रिसर्च सेंटर में मक्कियों की नए नए बीज तैयार होते हैं। अब इनसे होता है क्या है कि ये बीज लेके, ये लोग यहाँ से बीज लेंगे और यहाँ से ये थोड़े थोड़े बीज लेंगे और इसी के आगे नए नए मेज़ की वैरायटी तैयार होगी। अब नए नए मेज़ की वैरायटी तैयार होके तो फिर ये फार्मर्स को इसी एक एक बीज से, मतलब कि ये आगे रिसर्च सेंटर में जाएगा और वहाँ हैदराबाद में, तो वहाँ से जाके फिर ये नए नए किस्में तैयार हो जाएंगी। ये देखिए, आप देख रहे हैं कितनी अच्छी लगा रखा है इन्होंने, छोटे छोटे प्लॉट्स ही बोल सकते हैं हम। और ये इनको भगाने के लिए, क्योंकि शाम को रात को यहाँ पर वो आते हैं, जंगली जानवर आते, तो उनको भगाने के लिए इन्होंने, ये देखिए फोकस करके बताता हूँ आपको, तो ये इन्होंने वो बना रखा है, पॉलिथीन लगा रखे हैं ताकि अगर ये हिलेगा तो यहाँ से भाग जाएंगे। अब ये करते करते ये आगे आपको दिखाता हूँ। अब फसल लगी है तो यहाँ पर वो भी होगा, भगाने के लिए इन्होंने वो भी रखा हुआ है पक्षियों को भगाने के लिए। देखिए, ये बेसिकली जंगल है, जंगल में ये देख रहे हैं आप, जंगल के बीच बीच में ये जगह इनको मिली हुई है रिसर्च करने के लिए, ताकि ये रिसर्च कर सकें। हाँ, अब मैं बता रहा था आपको कि ये इसको भगाने के लिए, ये बेसिकली हिल रहा है, इसकी वजह से पक्षी यहाँ पर नहीं आएंगे। पक्षी नहीं आएंगे तो इसकी वजह से क्या होगा कि काफ़ी अच्छा रहेगा, पक्षी नहीं खाएंगे इसको। चलो फ्रेंड्स, आप मेरे को प्लीज़ कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और ऐसा सच कंटेंट्स देखना चाहते हैं तो आप प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि और अच्छे अच्छे वीडियोस आपको मिल सकें। थैंक यू, गुड मॉर्निंग।